Clash of Clans. हाय गाइस, योसी ग्रुपिंग के न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस मैं हूं गुरु, आप सभी के लिए लेकर न्यू वीडियो हाजिर हूं। गाइस तो गाइस यार, इस वाली वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि गाइस यार मैं अभी क्लैश ऑफ क्लैंस में अपने टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला, तो गाइस मैं आज इस वाली वीडियो में उसी के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले गाइस, मैं अभी जिस क्लैन में हूं, ये दूसरे आईडी से, तो उस क्लैन से मेरा एक वॉर चला था, ठीक है, लास्ट टाइम अभी जस्ट, ठीक है। तो ये वॉर तो हम हार चुके थे, लेकिन ये वॉर बहुत ही ज़्यादा हम अच्छे खेले थे, ठीक है। और ये हमारे अपोनेंट में थे फ्रांस की कोई क्लैन थी, ठीक है। तो बंदे भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे बातचीत करने में, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमारे बारे में अपनी वीडियो में बताना, तो बता दे गाइस, ठीक है। तो चलते गाइस अपनी वीडियो की तरफ, ठीक है। तो गाइस चलिए बात करते हैं इस टूर्नामेंट के बारे में। गाइस यार, इस टूर्नामेंट के बारे में मैं बता देता हूँ कि गाइस यार ये ओनली टाउन हॉल 15 वालों के लिए। गाइस मैंने अभी इससे पहले टाउन हॉल 13 वाली आईडी चली थी, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर ये ऐसा आइकन नहीं मिला था हमें देखने के लिए, ठीक है। तो अभी मेरा टाउन हॉल तो 15 है और 14 में मैं चेक नहीं कर सकता, अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ गाइस कि ओनली शायद अभी ये टाउन हॉल ओनली 15 वालों के लिए है। गाइस अगर आप टाउन हॉल 50 में हैं तभी आप ये खेल सकते हैं टूर्नामेंट में, ठीक है। तो गाइस यार ओनली टाउन हॉल 15 वाले खेल सकते हैं, और साथ ही साथ ये कोई भी खेल सकता है, मतलब गाइस, ठीक है। अपनी टीम बनानी है, जो अपनी क्लैन है ना, क्लैन का लीडर या फिर क्लोड लीडर या फिर लीडर ही होगा, ठीक है। तो वो लीडर ही बंदा होगा जो इस टूर्नामेंट को टीम क्रिएट करेगा और वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, और तुम्हारे जीतने पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा कैश बोनस दिया जाएगा, है ना, बहुत से अच्छे प्राइज भी, एकदम बहुत खतरनाक लड़का गाइस। तो इसके स्टेज वगैरह देख लेते गाइस, ये स्टार्ट होगा भाई अपने 31 तारीख को, कल शाम को 7:30 बजे इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगी, और फिर इसकी क्लोज हो जाएगी 7 सितंबर को, ठीक है। और उसके बाद में कुछ ओपन्स वगैरह होंगे, गेम वगैरह, तो वो वाले खेल लेंगे हम, है ना। तो उसके हिसाब से ये स्टेज अपना पहला है, ठीक है। तो 31 अगस्त को 7:30 बजे शाम को ओपन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेज में देख सकते गाइस कि ये 23 सितंबर को 7:30 बजे शाम के टाइम में यहाँ पर एक वापस मैच होगा, स्टेज टू है ये, ठीक है। तो वहाँ पर और वापस मैच होगा, और उसमें जो टीम जीतेगी उसको आगे जाने का मौका मिलेगा। फिर होगा थर्ड मैच होगा फिर 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक, है ना, वो भी शाम को 7:30 बजे, दोनों का टाइम भी ये 7:30 तक, ठीक है। तो उसमें भी यही होगा कि टीम जीतेगी फिर वो आगे जाएगी और वो आगे जाके प्ले करेगी। फिर आते हैं हम गाइस यार स्टेज फोर पर, ठीक है। तो स्टेज फोर में क्या है गाइस, देख सकते हैं आपकी ये होगा 7 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को, ये दोनों 2 दिन होगा, ठीक है, ये भी 2 दिन चलेगा, हाँ, और शाम का टाइम है वही 7:30 बजे, ठीक है। और फिफ्थ लीग में गाइस आप देख सकते हैं कि 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, तो ये भी और 2 दिन चलेगा और वो भी 7:30 बजे का टाइम है। तो गाइस होगा क्या कि ये 5 स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद में जो 4 टीम्स होगी, ओनली 4 टीम्स, वही आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाएगी गाइस। हाँ तो गाइस आप सभी ने देख लिया, ठीक है। इसके बारे में बता भी बता दिया, 5 स्टेज होते हैं, इसके बारे में और भी अच्छे से मैं वीडियो बनानी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और फर्स्ट वाले के लिए गाइस यहाँ पर डॉलर है भाई गजब के, पैसा ही पैसा होगा, ठीक है, लगभग $300 है फर्स्ट पे आने के लिए, सेकंड पे $150 है, और सबसे लास्ट में भी बहुत सारे पैसे अपने को मिल रहे हैं भाई गजब के, ठीक है। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो कल शाम को 7:30 बजे ओपन होगी और 7 सितंबर को इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। तो उससे पहले गाइस यार अपने टीम के क्लैन लीडर से बात कर लेना और बोल देना कि ये अपने को खेलना है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो आराम से गाइस, ठीक है। तो मेरी सलाह है गाइस ये कि आप ये खेलो यार गाइस, क्योंकि अपन जीते ना जीते लेकिन अपने को एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि अगर ये वाला अपन खेल लेंगे तो इसके बाद में अपना अगला वाला 2024 में जो भी आएगा तो वो भी खेलने का अपना मन करेगा, ठीक है। तो वो भी खेलेंगे, शायद कहीं ना कहीं तुक्का लग जाए, अपनी टीम बढ़िया से खेल जाए और वहाँ पर अपना नाम हो जाए, ठीक है। तो इंडिया की भी टीम ऊपर तक जा सकती है, वर्ल्ड चैम्पियन तक आराम से जा सकती है, ठीक है। तो आप जानते हो गाइस यार 2-3 चैनल भी है अपने यहाँ इंडिया का, तो एक अच्छा सा चैनल भी है, क्या नाम है, Sumit007, तो भाई वो भी बहुत ही अच्छा खेलता है, ठीक है। तो वो शायद भाई यार अपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उसकी टीम जा सकती है, क्योंकि उसके पास में भाई यूट्यूबर है और यूट्यूबर्स के पास में ओनली वही बंदे रहेंगे क्लैन में जो TH15 वाले मैक्स वाले गाइस, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइस इतनी, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो गाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन ऑन कर देना। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम गाइस, सी यू लेटर।